दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऋषिकेश का व्लॉग, जो कि है महादेव की नगरी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस प्यारी सी जगह के दर्शन और बताते हैं आपको सारी चीजें। ये देखो, गोद में बैठकर बाबू सूर्य जी को गोद में बिठा कर ले जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। दोस्तों, सबसे पहले पहुंचे थे हम लोग त्रिवेणी घाट यहाँ की आरती देखने के लिए। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही रिलीजियस है दोस्तों। ये देखे, ये है घाट गंगा का। और यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह चल रहा है, जहाँ पे भोले के भक्त जो है नाच रहे हैं। और आरती होने के बाद ये देखिए कितना अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं ये सारी चीजें। और यहाँ पहुँचते ही शुरू हो रही है गंगा आरती। ये देखिए किस तरह यहाँ पे आरती की जाती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस प्यारे से आरती के दर्शन। दोस्तों, त्रिवेणी घाट पे आरती का जो समय है वो सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच है, और शाम को यहाँ पे आरती का समय 6 से 7 बजे के बीच है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आए हो तो त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ जो ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी ना गंगा माँ की, वो शायद ही ऋषिकेश में कहीं भी फील हो। तो दोस्तों, आप जिंदगी में एक बार इस दृश्य का आनंद अवश्य लें, एक बार ये दृश्य अवश्य देखें त्रिवेणी घाट पे आके। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा दृश्य होता है ये त्रिवेणी घाट पे ऋषिकेश में। जय गंगे माँ। और यहाँ आरती होने के बाद लोग आरती के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए और आरती के रिलीजियस भरी इन्वायरमेंट का आनंद लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, ब्लेसिंग्स लेते हुए माँ गंगा की और ज्योति देवी की ब्लेसिंग्स लेते हुए यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी वाइब्स हैं। दोस्तों, अभी मैं हूँ त्रिवेणी घाट पे और ये देखिए यहाँ पे आरती हुई है अभी अखरे, और मेरे पीछे बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, घाट पे चलते हैं। दोस्तों, ये है त्रिवेणी घाट और यहाँ पे गंगा माँ बहुत ही शांति से बहती हुई, और यहाँ के घाट पे लोग गंगा माँ की ब्लेसिंग्स लेते हुए। कितना प्यारा इन्वायरमेंट है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों, यहाँ पे गंगा किनारे आपको दीपक और पुष्प जो हैं मिल जाएंगे 20-30 रुपए में, आराम से मिल जाते हैं। और आप लोग जो है गंगा माँ की ब्लेसिंग्स यहाँ पे ले सकते हैं, दीपक वगैरह जला सकते हैं और खुद भी पूजा वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैन वगैरह भी मिल जाएगी, जिसमें आप लोग जो है गंगा जल, ऋषिकेश का गंगा जल अपने घर लेके जा सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप साइज के हिसाब से कैन खरीद कर गंगा जल भर सकते हैं। और त्रिवेणी घाट से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगी यहाँ पे प्यारी सी मार्केट, जहाँ पे आप लोग
जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, पूजा वगैरह का सामान ले सकते हैं। पूजा वगैरह के सामान के अलावा यहाँ पे मेन मार्केट भी लगती है, जहाँ पर आप लोग जो है कपड़े वगैरह की शॉपिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा और भी घर के सामान और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। त्रिवेणी घाट के बाद हमने सुना है ऋषिकेश में काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ हैं, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं बहुत ही अच्छा सा कैफ़े। और हमने सुना है यहाँ पे बीटल्स काफ़ी अच्छा है, तो लक्ष्मण झूला से अंदर की तरफ हमने रोड लिया है और इस रोड पर अभी हम चल रहे हैं अच्छे से कैफ़े के सर्च में। और रास्ते में चलते चलते ये देखिए मिल गए हैं मेरे महादेव और माँ पार्वती। रास्ते में एक छोटा सा ही मंदिर है भगवान शिव और माँ शक्ति का, तो सोचा हमने दर्शन करते हुए चलते हैं। हर हर महादेव। बताओ आप, पता है हम यहाँ से कितने बजे निकलेंगे? हम यहाँ से 10:30-11 बजे निकलेंगे, तब तक हमें करना है टाइम पास। और रास्ते में चलते चलते यहाँ मिली बहुत ही प्यारी सी शॉप मकर वाहिनी पूजा भंडार, जहाँ पे काफ़ी प्यारी ज्वेलरीज हैं और भी एंटीक पीसेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, पूजा का सामान आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऋषिकेश आए हैं इस शॉप पे एक बार विजिट करना, आपको वर्थ लगेगा इस शॉप पे विजिट करना और शॉपिंग करना। दोस्तों ये है लक्ष्मण झूला की गली, इस साइड से हम आए थे और इस साइड लक्ष्मण झूला है और बीच में ही आपको बीटल्स कैफ़े मिल जाएगा ये देखिए। तो चलिए दोस्तों एंट्री करते हैं इस प्यारे से कैफ़े में और देखते हैं यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट होता है और कितना अच्छा होता है, कैसी होती हैं यहाँ की वाइब्स। तो एंटर करते ही मिलेंगी आपको यहाँ पे कुछ बुक्स, कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड की पेंटिंग्स और भी क्या काफी प्यारी प्यारी चीजें। ये देखिए ये पुराने जमाने का रेडियो और ये है इनका रिसेप्शन। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी फोटोज लगाई हुई हैं, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी फोटोज लगी हुई हैं और ये है हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। तो आइए दिखाती हूँ यहाँ के मतलब खाना तो यहाँ का कैसा है वो खाने के बाद ही पता चलेगा, पर यहाँ का जो मेन थिंग है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। बीटल्स कैफ़े फेमस होने की एक वजह ये भी है कि ये देखिए यहाँ की जो बालकनी है वो बिल्कुल गंगा के पास खुलती है और ये देखिए यहाँ पे बहती है प्यारी सी गंगा और यहाँ की जो हवा है भिन्नी भिन्नी हवा पानी की वो आती रहती है डाइनिंग एरिया में। और ये है अपना 13 मंजिला मंदिर जहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको दर्शन हो रहे होंगे राम झूला के, ये जो आपको दिख रहा है ना दूर, ये है राम झूला अपना। तो यहाँ से आपको जो है पूरा शहर भी दिखेगा, ये देखिए मतलब गंगा के किनारे जो शहर बसा है ना वो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही सुंदर व्यू है। तो यहाँ से लोग जो है पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करवाते हैं। और दोस्तों यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होने के साथ साथ यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी है, मतलब महक बहुत अच्छी आ रही है और हमने खाना भी खाया यहाँ का तो बहुत अच्छा है, मतलब थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा वगैरह बिरयानी वगैरह हमने टेस्ट की है यहाँ का और नूडल्स वगैरह टेस्ट की थी, बहुत प्यारे और बहुत टेस्टी थे। सो दोस्तों हम लोग जानकी झूला आ चुके हैं और जानकी झूला ये देखिए मेरे पीछे है जो कि ओपन हो चुका है, तो चलिए दिखाते हैं इस प्यारे से झूले को जो अभी अभी नया नया बना है और नया नया ओपन हुआ है, सुना है काफी प्यारा है। तो चलिए दोस्तों बात करने से ज्यादा अच्छा है उसको देख ही लेते हैं ना। और दोस्तों यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है, ये है हमारा राम झूला और ये राम झूला के साइड में मंदिर है राम की और ये गंगा वगैरह और ये देखिए कुछ लोग बीच में आ जाते हैं वीडियो के तो इनको इग्नोर कीजिए। और रात के वक्त हमने लिया एक वॉक जानकी झूला पे, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का और यहाँ पे जो है लाइंस वगैरह भी डिवाइड कर दी हैं
मतलब एक तरफ जो है बाइक चल सकती है, एक तरफ पैदल चल सकते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ आने वाले आ सकते हैं, एंट्री नहीं है दोस्तों। सो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट कर दिया है यहाँ का। और ये कुछ इस तरह का बोर्ड मिल जाएगा आपको कि क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ से कितनी दूर बाकी जो हैं साइट सीइंग प्लेसेस और मंदिर वगैरह पड़ेंगे यहाँ से। और दोस्तों जानकी झूला क्रॉस कर चुके हैं हम, और सच में बहुत ही अल्टीमेट बनाया है इस झूले को। बहुत ही प्यारी कारीगरी की गई है इस पूरे पुल के आसपास, और पुल को भी काफ़ी मैनेजमेंट मतलब काफ़ी मैनेज करके बनाया हुआ है, जैसे लाइनें वगैरह इन्होंने बनाई हुई है। और पुल क्रॉस करने के बाद जो है आप यहाँ से साइट सीइंग प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं जानकी झूला पे। साथ ही दोस्तों इस प्यारे से व्लॉग को मैं यहीं पूर्ण विराम दूंगी, और एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया व्लॉग आए तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महा